हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाऊंगी आलू के पापड़ बहुत ही आसान तरीके से, बिना बेले बिना मशीन के टिप्स के साथ। तो जानने के लिए हमारी वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे मैं आपके साथ नई नई वीडियो शेयर करती रहती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम आलू ले लिए हैं। इनको हमने धुल के अच्छे से बॉईल कर लिया है और इनका छिलका भी हमने देखिए उतार लिया है। अब बस हम दूसरा बाउल ले लेते हैं और इसमें हम ये कद्दू किशनी ले लेते हैं और इसमें से हम इस तरह से आलूओं को क्रश कर लेते हैं, जिससे इसमें गुठलियाँ ना रहें और हमारे पापड़ बहुत ही टेस्टी बनकर कम्प्लीट हो। बस इस तरह से देखिए थोड़ी हाथ की सहायता से इस तरह से आलूओं को दबाते हुए इस तरह से हम इनको क्रश कर लेते हैं। बस इसी तरह से सारे आलू हम क्रश कर लेती हैं। आलू को मैंने देखिए ग्रेटर से क्रश कर लिया है। अब इस तरह से देखिए आलू को छुटा लेते हैं और इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक आधी चम्मच, जीरे आधी चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। आलू के पापड़ में नमक बहुत कम लगता है, इसलिए हम बस थोड़ा सा ही डाल रहे हैं, यानी मैंने आधी चम्मच डाला है। आप अपने आलूओं के अनुसार ही नमक डालें। अब मैं डालूंगी यहाँ पे हरा धनिया, इससे आलूओं के पापड़ में टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप भी जरूर डालिएगा। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आलू यहाँ पे हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है। अब मैं यहाँ पे तेल ले लेती हूँ और एक प्लेट ले लेती हूँ। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। मैंने हाथ में तेल लगा लिया है। अब थोड़ा सा हम आलू ले लेते हैं और इस तरह से देखिए लोइयाँ बना लेते हैं। बस इसी तरह से हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से आप पहले से बना कर रखिए तो आपके आलू बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। एक एक हम बनाते हैं और एक एक दबाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इसी तरह से हम सारे इस तरह से लड्डू के आकार में बॉल्स बना लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मैं आपको बिना मशीन से ही और झटपट बनाकर आलू के पापड़ दिखाऊंगी। ये पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे कभी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इसी तरह से सभी बॉल्स को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। आलू की बॉल्स बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे एक प्लाई का टुकड़ा ले लिया है और उस पे देखिए प्लास्टिक की शीट बिछा ली है। बस इस तरह से हमको बिछा लेना है। और ये देखिए मैंने एक इस तरह की पॉलिथीन ले ली है, इसमें हल्का सा हम तेल लगा देते हैं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही तेल लगाएंगे। मैं आपको आलू के पापड़ में बस एक बार ही तेल लगाना दिखाऊंगी, इसके बाद हम कोई तेल को यूज नहीं करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें तेल लगा लिया है। मैंने इसमें प्लाई में इसलिए मैं बना रही हूँ कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, फिर मैं इसको जाके इस तरह से उठा के छत पे रख दूंगी और मुझे धूप में भी नहीं बैठना पड़ेगा और इस तरह से मेरे पापड़ भी बन जाएंगे। अब मैं एक आलू की बॉल्स ले लेती हूँ और इस तरह देखिए मैंने आलू को बॉल्स रख दी और इस तरह से पन्नी रखेंगे हम पॉलीथीन और इस तरह से बस इस तरह से प्लेट सहायता से इस तरह से दबा देंगे। बस ये लीजिए हमारा आलू का पापड़ कंप्लीट हो गया और ये देखिए मैंने निकाल दिया। बस इसी तरह से हमें प्लेट प्लेन पेंदी की लेना है। इस तरह देखिए प्लेन होना चाहिए प्लेट को, बस इसी तरह की हम प्लेट लेंगे। अब इसी तरह से हम दूसरा पापड़ भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। मैंने पहले ही बॉल्स में तेल लगा लिया था, इसलिए हमें बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए मैंने दूसरा भी बना दिया। थोड़ा बहुत मोटा लग रहा हो आपको तो थोड़ा हाथ से भी इस तरह से फैला सकते हैं। ये देखिए बस एक एक पॉल्स उठाते जाइए और इसी तरह से बस सारे पापड़ बनाकर कंप्लीट करिए तो ना आपको बेलने की जरूरत पड़ी और ना मशीन की पड़ी और आपके पापड़ तुरंत ही इस तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहें जितने ढेरों पापड़ बनाकर इस तरह से कंप्लीट कर सकते हो।
आलू के पापड़ हमारे बन चुके हैं, चलिए अब हम इनको धूप में ले चलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैं पापड़ को चप्पी ले आई हूँ और बोट से निकाल लिया है और मैंने देखिए चप्पी इनको फैला दिया है। मैं आपको और पापड़ दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाऊंगी। देखिए बस इस तरह से रख देते हैं और ये प्लेट ले लेते हैं, बस दबा दिया थोड़ा बहुत यहाँ से किनारे से, सही भी हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आपके पापड़ थोड़ी बहुत चिपक रहे हों तो हाथ में आप तेल लगाकर इनको बस इस तरह से तुरंत जल्दी से जल्दी इस तरह से बनाते जाइए, आपके पापड़ बहुत ही जल्दी बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, आपको लोई भी कोई सीधी करने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पे लोई टेढ़ी है और हम सीधा करें, नहीं कुछ बात नहीं है, बस इस तरह से हम दबा देते हैं और पापड़ हमारा गोल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमारे सारे आलू के पापड़ बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको हम 2 घंटे बाद देखेंगे और इनको फिर दूसरी तरफ से हम पलट देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, चलिए देखिए हम पापड़ को पलट देते हैं। ये पापड़ देखिए ऊपर से सूख चुके हैं, बस इस तरह से आपको पलट देना है एक एक करके। थोड़ी बहुत चिपक गए हैं जैसे इधर किनारों से, तो इनको भी इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से सारे पापड़ पलट देती हूँ। अब बस इस तरह पापड़ को हम सुखा लेंगे। आलू का पापड़ हमारा सूख चुका है, मैंने इसे 1 दिन की धूप दिखा दी है और ये अच्छे से सूख चुका है। लेकिन आप स्टोर करना चाहते हैं तो 2 दिन की धूप जरूर दिखाइए, क्योंकि हम साल भर के लिए पापड़ रख रहे हैं तो बिल्कुल भी नमी इसमें होना नहीं चाहिए। और एयर टाइट कंटेनर में भर कर आप इसे अपने स्टोर रूम में रख दीजिए, जब आपका मन हो जब इसे निकाल कर तुरंत खा लीजिए। अब मैं आपको आलू का पापड़ निकाल के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना टेस्टी और कितना अच्छा हमारा पापड़ बनकर कंप्लीट हुआ है। मैंने आज सुबह इसमें सेव बनाए थे तो इसलिए मेरी ये कढ़ाई रखी हुई थी, तो मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है और आलू का पापड़ ये देखिए मैंने डाल दिया। ये देखिए, बस इस तरह से तेल को इस तरह से हटा देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा पापड़ बना है। ये लाल भी नहीं है बस, और टेस्टी भी है। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर इस तरह से आलू के पापड़ बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके भी इतने अच्छे पापड़ बने कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे कभी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए इसी तरह से हम सारे पापड़ को निकाल लेते हैं। हमारा आलू का पापड़ बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, मैंने आपको फ्राई भी करके दिखाया है कि ये कितना टेस्टी और लाजवाब पापड़ बनकर कंप्लीट हुआ है। आप भी इस तरह से अपने घर पर फ्रेंड्स बनाइए तो आपके पापड़ बहुत ही टेस्टी बनकर कंप्लीट होंगे। फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पर बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही में घंटी का बटन दबाइए, जिससे कभी भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।